हेलो मेरे नन्हे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत प्रसन्नचित होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बड़ों का आदर करते होंगे और खूब सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम करने जा रहे हैं तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाई अमित पब्लिकेशन से कौन सा पाठ, पाठ 11, जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है सच्चा न्याय। न्याय का मतलब क्या होता है बच्चों? न्याय को इंग्लिश में बोलते हैं जस्टिस और हिंदी में बोलते हैं न्याय। हमें यहाँ ज्ञान विभिन्न माध्यमों व स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। पुस्तकों द्वारा, नए नए अनुभवों द्वारा, अन्य व्यक्तियों द्वारा, शिक्षकों द्वारा एवं परिवार के सदस्यों द्वारा। हमें कहीं से भी बच्चों शिक्षा मिले, हमें उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए। चाहे हमें कहीं बाहर हम जा रहे हों, हमें वहाँ से कोई शिक्षा मिल रही हो, या हम किसी से बात कर रहे हों, किसी से बड़े से बात कर रहे हों, इवन अगर हम किसी छोटे बच्चे से भी अगर बात कर रहे हों, और अगर हमें वो सीखने वाली चीज़ सीखनी है तो हमें सीख लेनी चाहिए। और पुस्तकों के द्वारा तो हम ज्ञान प्राप्त कर ही लेते हैं। तो इसी से आज है, इसी से रिलेटेड, इसी से मिलना जो है हमारा जो आज का जो पाठ है वो कुछ ऐसा ही है। पाठ प्रवेश। राजा, मुखिया, पिता, गुरु और बड़े भाई का न्यायप्रिय होना अत्यंत आवश्यक होता है। जीवन की गुणवत्ता न्यायप्रिय होकर बचाई जा सकती है। सच्ची बात करना हमेशा मूल्यवान होता है। इस पाठ से हम न्याय के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास बहुत से बाग, बगीचे और कुएं तालाब थे। उसमें से एक कुएं में पानी की मात्रा कम होने लगी थी। इस बात से सेठ बहुत चिंतित होने लगा। ठीक है, वो बहुत चिंतित रहने लगा कि इस कुएं में से पानी इतना कम क्यों होता जा रहा है, पानी की मात्रा इतनी कम क्यों हो रही है। तो उसने कुएं को बचाने के कई उपाय किए, लेकिन उसका पानी दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था, दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। उसी नगर में एक सीधे स्वभाव का ब्राह्मण रहता था। उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था। वह अपना काम चलाने भर कमा पाता था। मतलब वो इतना ही कमा पाता था जितना वो अपना काम चला सकता था। एक दिन ब्राह्मण सेठ से मिलने उसके घर की ओर निकल पड़ा। सेठ कुएं पर दातुन कर रहा था। ये देखो, ये सेठ है और ये कुएं पे क्या कर रहा है, दातुन, मतलब मंजन कर रहा है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रश और हिंदी में बोलते हैं दातुन। और ये कौन है, ब्राह्मण, ये सेठ से मिलने के लिए आ रहा है। तो सेठ कुएं पर दातुन कर रहा था। बाग में बहुत से पक्षी कलरव कर रहे थे। कलरव मतलब चहचहा रहे थे। सुबह का समय था, सूरज निकलने वाला था। ब्राह्मण को देखकर सेठ के मन में क्या आया, लालच आ गया। लालच उफान मारने लगा। उसने कुछ सोचते हुए कुआं बेचने का प्रस्ताव ब्राह्मण के आगे रखा। ब्राह्मण देव, क्या आप कुआं खरीदना चाहते हैं? सेठ जी, मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं आपका कुआं खरीद सकूं। तुमसे अधिक धन मांग कौन रहा है, तुम तो बस कुआं खरीदने के लिए हाँ करो। सेठ मूछों पर ताव देता हुआ बोला, मैं कुएं का मालिक बन जाऊंगा तो नगर के लोग मेरा भी सम्मान करेंगे। ब्राह्मण ने सोचा और थोड़ा सा धन देकर कुआं खरीद लिया। दूसरे दिन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ जल भरने कुएं पर आया। वहां पहले से ही मौजूद सेठ ने कहा, आओ आओ ब्राह्मण, कैसे हो, रात कैसी गुजरी? सब आपकी उदारता है सेठ जी, हमारी रात क्या दिन भी चहक उठा, ब्राह्मण ने कहा। ब्राह्मण देव, आप इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। क्यों, कुआं हमारा है, ब्राह्मण अपने परिवार की ओर देखकर बोला। हाँ, कुआं बेशक तुम्हारा है, लेकिन पानी तो मेरा है, सेठ चालाकी से बोला। सेठ की अनितिपूर्ण बात सुनकर भी ब्राह्मण नम्रता से बोला, श्रीमान जी, कल ही तो मैंने इस कुएं का मूल्य चुकाया है, आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, माना कुआं आपने खरीद लिया है, मगर इस कुएं का पानी मैंने बेचा ही कब, देखा आपने सेठ जी की चालाकी। इसलिए आप सिर्फ कुएं के मालिक हो और मैं सिर्फ पानी का। ये किसने बोला, ये बोला सेठ जी ने ब्राह्मण से।
ऐसा भी कहीं होता है, मैं पानी कहाँ से भरूंगा? ब्राह्मण बोला, इसी कुएं से, लेकिन हर एक बाल्टी पानी का मूल्य 100 रुपये चुकाना होगा। सेठ की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन दुखी हुआ। बाल्टी रस्सी कुएं पर छोड़कर वह सीधे राजा के पास न्याय मांगने पहुंचा, न्याय मांगने चल पड़ा। महाराज की जय हो, महाराज मैंने कल सेठ से कुआं खरीदा था, आज जब पानी भरने आया तो इन्होंने पानी भरने से मना कर दिया। कहते कहते ब्राह्मण भावुक हो उठा। तुम दोनों मुझे सच सच बताओ, उस कुएं का असली मालिक कौन है? राजा बोला, महाराज वह कुआं तो ब्राह्मण का, लेकिन उसका पानी मेरा। सेठ बोला, राजा बुद्धिमान था, उसने पलक झपकते ही सेठ की चालाकी समझ ली। उसने सेठ की ओर देखते हुए कहा, वह कुआं जब ब्राह्मण का है तो पानी सेठ का कैसे हुआ? ये देखो राजा कितना समझदार था, उन्होंने क्या बोला? हाँ महाराज ऐसा ही है, सेठ बोला। सेठ एक बात मुझे समझ नहीं आई, जब कुआं ब्राह्मण का है तो आपने अपना पानी उसमें रखा ही क्यों? राजा हंसते हुए बोला, राजा साहब ये आप क्या कह रहे हैं? सेठ बोला, आप अपना पानी वहाँ से निकाल लें, जब तक पानी की एक बूंद भी उसमें रहेगी तब तक आपको प्रतिदिन किराए के रूप में 1000 रुपये ब्राह्मण को देने होंगे। यही मेरा फैसला है। देखा कितना अच्छा फैसला किया राजा ने, अपनी बुद्धिमानी से चालाक सेठ को नीचा दिखाया। राजा का फैसला सुनकर सेठ हक्का बक्का होकर चरणों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं लालच नहीं करूँगा, आपने तो मेरी आँखें खोल दी। सेठ मैंने आपके बारे में पहले से भी बहुत कुछ सुन रखा है, कई बार आपको माफ़ भी किया, किंतु अब किसी को तंग किया तो कारागृह यानी कि जेल में डलवा दूंगा। कहते हुए राजा खड़ा हो गया। जान बची तो लाखों पाए, सेठ मन ही मन बुदबुदाया और चुपचाप घर लौट गया। ब्राह्मण ने राजा को धन्यवाद दिया और कुएं से पानी भरकर खुशी खुशी घर चला गया। तो इस तरह हमारा ये आज का पाठ हुआ पूरा, और मैं आशा करती हूँ इस पाठ से आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने कुछ सीख भी सीखी होगी। देखा राजा कितना बुद्धिमान था, है ना, उसने कितनी चालाकी से सेठ को उसका सबक सिखा दिया। और अब हम चल रहे हैं कठिन शब्द पे। स्वभाव प्रतिदिन दातुन हक्का बक्का उफान बुदबुदाया चालाकी कारागृह भावुक और विनम्रता। और अब है शब्दार्थ। विनम्रता का अर्थ है सरलता, प्रस्ताव मतलब सुझाव, इंतजार का अर्थ है प्रतीक्षा, सम्मान यानी आदर, अनितिपूर्ण यानी न्याय बिना यानी अन्याय इनजस्टिस, आंखें खोलना होश में आना, और कारागृह का अर्थ है कैद खाना। और अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछे है सेठ ने मन ही मन क्या बुदबुदाया। सेठ ने मन ही मन बोला, बुदबुदाया, जान बची तो लाखों पाए। राजा ने सेठ को कहाँ डालने की बात की? राजा ने सेठ को कारागृह में डालने की बात की। सेठ ने ब्राह्मण को पानी क्यों नहीं भरने दिया? सेठ ने बोला कि अगर तुम पानी भरोगे, ये तो कुआं तुम्हारा है लेकिन पानी मेरा है, इसलिए ये तुम पानी नहीं भर सकते। ब्राह्मण को क्या सुनकर दुख हुआ? ब्राह्मण को ये सुनकर दुख हुआ कि जब सेठ ने बोला कि कुआं तो तुम्हारा है, पानी मेरा है, अगर तुम्हें पानी भरना है तो तुम्हें प्रति बाल्टी मुझे 100 रुपये देने होंगे, तो यह सुनकर ब्राह्मण को अत्यंत दुख हुआ। और अब हमसे पूछा है सही विकल्प पर, हमें सही का चिन्ह लगाना है बच्चों। तो सबसे पहले है सेठ कैसा था? सेठ कैसा था? अच्छा था, चालाक था, समझदार था, मूर्ख था? सेठ तो चालाक था, तो मैंने चालाक के आगे निशान लगा दिया। ब्राह्मण कैसा था? सीधा साधा, मूर्ख, बेईमान या लालची? ब्राह्मण था सीधा साधा। सेठ ने एक बाल्टी पानी के लिए कितने रुपए मांगे? 100 रुपये, 200 रुपये, 50 या 10 रुपये? सेठ ने एक बाल्टी के लिए 100 रुपये मांगे। राजा ने सेठ से किराए के रूप में प्रतिदिन कितने रुपए देने को बोला? 500 रुपये, 1000, 100 रुपये या 2000? राजा ने सेठ से किराए के रूप में 1000 रुपये के बारे में बोला कि तुम्हें 1000 रुपये देने पड़ेंगे। और अब है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी हमें। तो सबसे पहले इसमें लिखा है बाग में बहुत सारे पक्षी क्या कर रहे थे? बाग में बहुत सारे पक्षी
कलरव कर रहे थे, चहचहा रहे थे। ब्राह्मण को देखकर सेठ के मन में क्या हुआ? लालच का उफान मारने लगा। सेठ ने ब्राह्मण को पानी का मूल्य, सेठ ने ब्राह्मण को पानी का मूल्य कितना बताया? 100 रुपए बताया। ब्राह्मण कैसा था? ब्राह्मण सीधे स्वभाव का था। राजा ने सेठ को प्रतिदिन किराए के रूप में ब्राह्मण को देने के लिए कहा, कितना? 1000। 1000 ब्राह्मण को देने के लिए कहा। तो ये हमारे क्या थे, हमने अभी किया है रिक्त स्थानों की पूर्ति। और अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे सही मेल मिलाओ। हमें सही मेल मिलाना है, तो हमने सबसे पहले है सेठ। सेठ जो था, सेठ बहुत धनवान था। एक बाल्टी पानी जो है वो कितने का बोला था? 100 रुपए से हमने मिला दिया, मेल कर दिया। किराया राजा ने बोला था तुम्हें किराया कितना देना होगा सेठ को? 1000 रुपए। और ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण बहुत सीधे स्वभाव का था, और राजा जो थे उन्हें हमने मिला दिया बुद्धिमान से। तो हमने क्या कर दिया? हमने बच्चों इसका मिलान कर दिया, सही मिलान कर दिया। और अब हम क्या करेंगे? अब हमसे पूछा है इन्होंने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले है, सेठ ने ब्राह्मण को कुएं से पानी क्यों नहीं भरने दिया? सेठ ने ब्राह्मण को बोला कि ये जो हे ब्राह्मण देवता, ये कुआं तो है, ये आपका कुआं है, लेकिन तो पानी जो है पानी मेरा है, इसलिए आप पानी इसका नहीं भर सकते। पानी भरना होगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ब्राह्मण दुखी क्यों हो गया? ब्राह्मण इसीलिए दुखी हो गया जब सेठ ने पानी के पैसे मांगे। आप एक बाल्टी भी पानी नहीं भर सकते जब तक आप 100 रुपये नहीं देंगे। न्याय के लिए ब्राह्मण किसके पास गया? न्याय के लिए ब्राह्मण राजा के पास गया। राजा का फैसला सुनकर सेठ हक्का बक्का क्यों रह गया? राजा ने जब बोला कि इसमें जो पानी है वो अगर तुम्हारा है तो तुम्हें पानी का किराया देना पड़ेगा, जब तक पानी की एक बूंद भी है इसमें तो तुम्हें किराया देना पड़ेगा, ये सुनकर सेठ राजा का फैसला सुनकर सेठ हक्का बक्का रह गया। क्या सीधे साधे लोगों को इस प्रकार चालाकी से ठगना चाहिए? जी नहीं, सीधे साधे लोगों को चालाकी से कभी भी नहीं ठगना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी वो खुद मुँह की खाते हैं। जो चालाक लोग होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उनके साथ हमें हमेशा नम्र व्यवहार करना चाहिए, ईमानदारी का ही व्यवहार करना चाहिए, उन्हें कभी भी नहीं ठगना चाहिए। तो बच्चों, इसके साथ हमारा ये आज पाठ यही समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ इस पाठ से आपको बहुत मनोरंजन हुआ होगा और आपने कुछ सीखा भी होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आभार।